जो पिछले 6 साल में उसने साबित आपका एक इंटरेक्शन होना चाहिए अब सारा आलम साहब जनरल बाजवा के साथ, और जहां तक मेरी इत्तलात है कि जनरल बाजवा ने आपको अल्लाह मुझे माफ करे मेरे उनसे जो इंटरेक्शन हो चुके ना मुलाकात के लिए और उनके बड़ों से जो इंटरेक्शन हो चुके बहुत है वो, अल्लाह मुझे माफ करे उनसे इंटरेक्शन से। अच्छा, इस पर भी आप बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं कि जनरल बाजवा की सिफारिश करवाई थी आपने आर्मी चीफ लगने के लिए। नहीं, सिफारिश मैंने कोई नहीं करवाई थी, एक एनालिसिस था मेरा, मैं कुछ लोगों को जानता हूं यहां पे रहता हूं, और फिर ये कि मुसलसल ये बताया जा रहा था कि हम बहुत आइन और जमहूरियत पसंद ख़ानदान है हमारा पूरे का पूरा, बड़ी कुर्बानियाँ हमारी आइन और जमहूरियत के लिए, मुझे क्या पता था कि इतना इंसान कहता कुछ है करता कुछ है, जुबान पे तो कुछ है दिल में कुछ है। जनरल बाजवा अपनी गलतियों को कहते हैं कि मुझे क्या मालूम था, फिर आप भी अपनी गलतियाँ एडमिट करें ना आप सारा आलम साहब। नहीं नहीं, मेरी तो बहुत बड़ी गलती है, मैं तो एडमिट किया, मैं तो तौबा कर चुका हूँ, मैं तो तौबा कर चुका हूँ कि आइंदा किसी पे एतबार ही नहीं करना। मेरा एतबार इतना टूट गया है, इतना टूट गया कि मैंने आइंदा किसी पे एतबार नहीं करना, ना मैं पेशीनगोई करता हूँ, जो होता है जो हो जाता है देखता हूँ वो, फिर मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ, उससे पहले मैं एनालिसिस भी नहीं करता कि जी ये जो आज इन्होंने ये कहा इससे कल क्या असर होगा। आई डोंट ट्रस्ट पीपल।